भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। ध्यान दो, बच्चे लोग गप्पे ना लड़ाएं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। सुनिए ध्यान देकर के कथा, जिस कथा का वर्णन भागवत में संक्षिप्त में है, शिव महापुराण में विस्तार से है। श्री दक्ष प्रजापति जी के माता प्रसूति के साथ 60 कन्याएं हुई। इन 60 कन्याओं में प्रथम 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी के साथ हुआ। ये समस्त बेटियां नक्षत्र बन गए। कल कथा बताई थी ना, कितने नक्षत्र हैं। ये सारी दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं और इनसे चंद्रमा को 4 पुत्र हुए सभी से, इसलिए संख्या कितनी हो गई, 108। श्री चंद्रमा जी के साथ ब्याही गई दक्ष प्रजापति की ये बेटियां। दक्ष प्रजापति की बाकी की 13 बेटियां कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। ऋषि कश्यप के साथ दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां ब्याही गई। सुनिए, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जो रचना की, वो देव गंधर्व और मानवों की ही की थी। ये जितने पशु पक्षी वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, ये सारी रचनाएं दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से हुई हैं। और इन सबके जनक भगवान श्री कश्यप हैं। कश्यप ऋषि की प्रथम पत्नी का नाम दिति हुआ। दिति से देवता हुए, आदित्य से अदिति से आदित्य हुए, दनु हुई, दनु से दानव हुए, इला, काष्ठा, सूरसा आदि, ये सब कश्यप की ही पत्नियां हुई। रामचरितमानस में सूरसा नाम अहिन की माता, ये माता सूरसा भी कश्यप की पत्नी है। सर्पों की सृष्टि, नागों की सृष्टि, पक्षियों की सृष्टि, काले नाग की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि, दानवों की सृष्टि, आदित्यों की सृष्टि, ये सारा ऋषि कश्यप से आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने केवल कश्यप ऋषि को आदेश दिया था। ध्यान देकर के सुनिए, दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री हुई, उनका नाम हुआ स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ और अग्निदेव इतने प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगे, कहने लग गए, जो भी मंत्र के पश्चात मेरी पत्नी का नाम लेगा वही आहुतियां हम केवल देवताओं को पहुंचाएंगे। इसलिए अग्नि में दिए गए आहुतियों के बाद अग्नि की पत्नी का नाम यदि नहीं बोला जाता है तो अग्नि देव उन आहार को उन देवताओं तक नहीं पहुंचाते। इसलिए पंडित जी लोग हवन करते, यज्ञ कराते तो यजमान को बोलते मंत्र ना आए तो कम से कम क्या बोलना, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, इसलिए स्वाहा शब्द कहा जाता है। आज तक ना पता होगा स्वाहा क्यों कहते हैं। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा देवी है। श्री मनु महाराज ने कि ये जो पुत्री प्रसूति है जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, ध्यान देकर सुनो, इन्होंने प्रथम 10,000 पुत्रों की रचना की। कितने पुत्र, 10,000। नारद जी गए और नारद जी इन समस्त 10,000 पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया
ये सारे के सारे महात्मा बन गए, सब बाबा जी बन गए, सब सन्यासी हो गए, भगवान का भजन करने लगे। श्री दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा, मेरे 10,000 पुत्रों को महात्मा बना दिया इन्होंने तो। दक्ष प्रजापति ने फिर संकल्प किया और माता प्रसूति के गर्भ से 10,000 और पुत्रों को जन्म दे दिया। जैसे ही 10,000 और पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज ने उन पुत्रों को भी महात्मा बना दिया, साधु बना दिया। कितने पुत्रों को नारद जी ने दीक्षा दे दी? 20,000 को। दक्ष प्रजापति को अति क्रोध आया कि मुझे जो काम मिला था सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने का, नारद जी उसके दोषी हैं, नारद जी उस कार्य को करने में मुझे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए नारद जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 पल से अधिक कहीं रुक ही नहीं सकोगे। जब रुकोगे नहीं तो ज्ञान क्या दोगे, और जब ज्ञान ही नहीं दे पाओगे तो आदमी भगवान का भजन क्या करेगा। अब मानो यहां यदि 3 घंटे की कथा ना होए तो कथा आगे होगी क्या? 2 पल में क्या ज्ञान दिया जाएगा? नारद जी सगर नागर नारद जी दक्ष के 20,000 पुत्रों को महात्मा बना दिए, और जैसे ही नारद जी को श्राप पड़ा, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्रोध में आ गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख दक्ष, तुम बिना जाने हुए देवर्षि नारद को श्राप दे दिया, तुम्हें पता था तुम जिस सृष्टि की रचना कर रहे थे, जिस सृष्टि के रचयिता तुम अपने आप को मान रहे थे, उनमें से एक भी सृष्टि के पुरुष तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। जानते हो क्यों? वो सारी रचना 20,000 रचना किन्नरों की कर डाली थी दक्ष प्रजापति ने, सब किन्नर थे। प्रजापति को अभिमान था अपने बल का, पौरुष का, प्रजापति होने का, और अभिमान के कारण भूल गए, रचना नहीं जानते थे, और दक्ष प्रजापति ने किन्नरों की रचना कर डाली, तब से किन्नरों की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दक्ष, उन किन्नरों को तो भगवत कार्य में लगाने का काम देवर्षि नारद जी ने किया है, वे तो श्रेष्ठ काम को करते हैं, इसलिए जानते हो, तब से किन्नरों के द्वारा कही गई बात, किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद अच्छा माना जाता है। क्यों? चूंकि इस जाति को सबसे आरंभ में मंत्र देने वाले नारद जी महाराज हैं, नारद जी ने मंत्र दिया है, नारद जी का मंत्र है, इस कारण से किन्नरों को आशीर्वाद है नारद जी का। कभी भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए, किन्नरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।